बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद वजाहत खान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं, ताकि न्यू कमर्स को बाहर के ममालिक में आने जाने और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने की मालूमात फराहम कर सकूँ और उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो। टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद और आप अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली और पुरानी तमाम बेशतर वीडियो से मुतलिक हो सकें। और बज़रिया नोटिफिकेशन हर बार मेरी न्यूएस्ट वीडियोस आपके ईमेल में पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कनाडा में सीटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं इसके कंटेंट्स आपको बता दूं जिनका जिक्र मैं आपसे करने वाला हूं। ओवरव्यू, बिजनेस विजिटर्स, आईसीटीज, इन्वेस्टर्स। सबसे पहले मैं इस एग्रीमेंट का ओवरव्यू आपको बताता हूं। यह हमें फैसिलिटेट करता है कि हम कनाडा में दाखिल हो सकें बिजनेस विजिटर्स, इन्वेस्टर्स, आईसीटी यानी इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज, सर्विस प्रोवाइडर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के तौर पर। सीटा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कनाडा, यूरोपियन यूनियन और इसके मेंबर स्टेट्स के दरमियान, और ये सीटा फैसिलिटेट करता है कनाडा में दाखला कुछ लोगों के लिए जो एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनके लिए लमिया की लाइसेंस कि आप काम कर सकें कनाडा में। लमिया का प्रोसेस यह जाहिर करता है कि कनाडा में कंपनियाँ सिर्फ इंटरनेशनल पर हायरिंग होंगी। अगर ये साबित हो जाए कि कैनेडियन या कोई भी कैनेडियन नेशनल परमानेंट रेजिडेंट तैयार नहीं थे और राजी नहीं काम करने के लिए, इस लमिया प्रोसेस में एडवर्टाइजिंग रिक्वायरमेंट और प्रोसेसिंग टाइम भी शामिल है। अब मैं आपको बिजनेस विजिटर्स के बारे में बताता हूँ। बिजनेस विजिटर्स के दो कैटेगरी हैं जिसके ज़रिए आप कनाडा में दाखिल हो सकते हैं सीटा के अंडर। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिटर। सेकंड, बिजनेस विजिटर फॉर इन्वेस्टमेंट परपज ट्रांसफरीज। अब मैं आपको आईसीटी के बारे में बताता हूँ। सीटा के अंडर आईसीटी का प्रोविजन बिल्कुल आईसीटी प्रोग्राम के मुताबिक होता है, बस इसमें ग्रेजुएट ट्रेनीज की एडिशन होती है। सीनियर पर्सनल और स्पेशलिस्ट भी कनाडा आ सकते हैं बगैर लमिया हासिल किए। अब मैं आपको इन्वेस्टर्स के बारे में बताता हूँ। इन्वेस्टर प्रोविजन जो सीटा के की पर्सनल कैटेगरी में आता है, जो कि नफ्टा के प्रोविजन के एन मुताबिक होता है, और इसमें सीटा फैसिलिटेट करता है कनाडा में कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को कि वो आकर यहाँ पर यहाँ की इकोनॉमिक को बढ़ावा दें और काम करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो से मुतालिक अगर कोई जो मैंने आपसे ज़िक्र नहीं किया हो इस वीडियो में और आपके जहन में सवाल आया है, तो बिला हिचकिचाहट यानी हेजिटेट के कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का, नोटिफिकेशन का और कमेंट का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलता हूँ अगली बार नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।